I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. एक ओर जहां पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उनके कट्टरपंथी धर्म की किताब कुरान के पीछे पड़ी है। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान। शैतान खुश होगा, और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? उनका एक से ज्यादा औरतों से शादी करना और उनको तलाक दे देना, औरतों की जिंदगी को बर्बाद करना और ज्यादा से ज्यादा इस्लाम को फैलाना, यही उनका मकसद है। सारी दुनिया इस्लाम के इस सोच को लेकर परेशान है, इसे पूरी दुनिया परेशान है। इटली इतना परेशान हो गया कि उसने सारे मस्जिदों को तोड़ दिया और मस्जिद बनाने पर पाबंदी लगा दी। ये भी बोल डाला कि नमाज इटली भाषा में पढ़ा जाएगा, जो सभी के समझ में आए, ताकि सबको ये पता चले कि तुम अपने नमाज में क्या कहते हो। और ऐसे ही जापान ने भी इस्लाम धर्म से परेशान होकर सारे मस्जिदों को तोड़ दिया। और चीन के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर जेल में डाल देने का नियम बना दिया, बुर्का पहनने पर सख्त नियम लागू को कर दिया, और इनका नियम का जो भी पालन नहीं करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुसलमानों को भिखारी तक बोल डाला। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा नियम को भंग करने वाला कोई और नहीं, वो खुद मुसलमान ही है। और पाकिस्तानी मुसलमानों को सऊदी अरब के लोगों ने मुसलमान भी नहीं माना है। इराक में बुर्के को लेकर बहुत ज्यादा बवाल उठा था। इराक की महिलाएं बुर्के को जलाकर वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके साथ ही आप सभी को पता होगा कि कुरान को जलाने की घटना भी तेजी हो रही है। जी हाँ, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में कुरान को जलाया जा रहा है। चीन में ये घटना पहले ही हो चुकी है, और अब तो इस्लामिक देशों में भी कुरान को जलाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक नहीं, दो नहीं, 45 कुरान जलाई गई, और वो भी इस्लामिक देश जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में। दोस्तों, ये सभी इशारा करते हैं कि कोई भी इस्लाम को पसंद नहीं कर रहा है, और लोग धीरे धीरे इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। आज एक ऐसी ही खबर हम आपको बताने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क, मगर वहाँ के युवाओं को इस्लाम धर्म पसंद नहीं आ रहा है। वो धर्म परिवर्तन कर अपना रहे हैं दूसरे धर्म को। दुनिया में ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहब है इस्लाम। आधुनिक युग में दुनिया में इस धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 1.8 अरब है, यानी दुनिया की करीब 1/4 आबादी इस्लाम को अपना मजहब मानती है। दुनिया के 26 देशों में इस्लाम आधिकारिक मजहब है। वैसे भी इस्लाम अपने समय का सबसे आधुनिक मजहब माना जाता था, लेकिन उनकी कट्टरपंथी सोच के कारण इसका पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। ये भी सच है कि दुनिया का हर मजहब क्षेत्र विशेष और काल खंड के हिसाब से बदलता रहा है। आज अधिकतर इस्लामिक दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, और इसे नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग कालखंड में अलग अलग धर्मों का प्रभाव रहा है। अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो आप देखेंगे कि एक दौर में पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया पर इसका प्रभाव रहा था। फिर एक प्रभावी धर्म के रूप में बौद्ध धर्म आया, और इसने एक बृहद दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा। फिर ईसाई धर्म आया,
ईसाई धर्म में लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद इस्लाम धर्म आया। इस्लाम धर्म करीब करीब हर इलाके तक लोगों को प्रभावित करने का काम किया, लेकिन इनका प्रभावित करने का तरीका अलग था। इनकी कट्टरवादी सोच थी, ये लोगों को डराते थे, धमकाते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। खैर, आज हम धर्मों के इतिहास पर बात नहीं कर रहे हैं। आज की चर्चा एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। यहाँ 23 करोड़ से अधिक लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की आबादी में इनके हिस्सेदारी लगभग 85% है, मगर इनकी संस्कृति इस्लामिक नहीं है। इनकी संस्कृति पर सनातन धर्म का गहरा प्रभाव है। इनके कई इलाके हिंदू बहुल हैं। इस देश की गिनती दुनिया के प्रगतिशील मुल्कों में होती है। ऐतिहासिक तौर पर यह मुल्क इस्लामिक होने के बावजूद मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों जैसा नहीं रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडोनेशिया। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद इस देश में इस्लाम के प्रति लोगों का लगाव लगातार कम हो रहा है। बीते कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि इंडोनेशिया में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की संस्कृति पर आदिकाल से ही सनातन धर्म का प्रभाव रहा है। यहाँ की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर रहती है। इसके साथ ही यहाँ मुस्लिम लोग सनातन संस्कृति के बहुत करीब है। यहाँ का बाली द्वीप हिंदू बहुल है। यहाँ पर रामलीला और अन्य हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि रामलीला में यहाँ मुस्लिम लोग बड़े धूमधाम से भाग लेते हैं। यहाँ मुस्लिम लोग भी स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे और इस पर उनको गर्व होता है। रही बात आबादी की, तो पूरे इंडोनेशिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ हिंदुओं की कुल आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। 2018 की जनगणना के अनुसार इंडोनेशिया में करीब 46.5 लाख हिंदू है। वैसे इनकी आबादी मुस्लिम समुदाय की आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है। ये कुल आबादी के 1.74% है, जबकि 2010 में इनकी हिस्सेदारी 1.69% थी। यानी हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, वहाँ के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं और इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, ये तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।